समाज सेवक अन्ना हजारे हवे नरेन्द्र मोदी सरकार सामे मोर्चो खोली दीधो छे। अन्ना हजारे फरी वखत दिल्लीना एक ज रामलीला मैदान में अनिश्चित काल माटे सत्याग्रह शुरू कर्यो छे। अन्ना हजारे रिटर्न्स, दिल्ली में अन्ना हजारे नू आंदोलन, उपवास पर अन्ना हजारे, रामलीला मैदान में अन्ना नो सत्याग्रह, भ्रष्टाचार सामे लड़त छेड़ीने तत्कालीन यूपीए सरकार ना पाया हलावी देनारा अन्ना हजारे हवे नरेन्द्र मोदी सरकार सामे गर्जना करी छे। पोतानी छ मांगणीओने लईने अन्ना हजारे रामलीला मैदान पर अनिश्चित काल माटे भूख हड़ताल पर बेसी गया छे। अन्ना हजारे लांबा समय थी केंद्र सरकार पासे खेडूतोना प्रश्नों सहितना मुद्दाओने लईने मांगणी करी रह्या छे। सरकार तरफथी कोई जवाब नहीं मळतो होवाना आक्षेप साथे अन्ना हजारे हल्ला बोल कर्यो छे। रामलीला मैदान में खेडूतोनी साथे अन्ना हजारे अनशन पर बेसी गया छे। एक तो किसानों की समस्या नहीं छुड़ाते, और जब समस्या नहीं छूटती तो उसका हक है, संविधान कह रहा है जहां पर प्रश्न नहीं छूटते वहां आंदोलन करना चाहिए अहिंसा के मार्ग से, और हम लोग 35 साल से अहिंसा के मार्ग से आंदोलन कर रहे हैं। 2011 का पूरा देश खड़ा हो गया, किसी ने पत्थर तक नहीं उठाया, और आप आने वाले लोगों को रोक रहे हैं। इसका मतलब हिंसा करने के लिए आप उनको भाग पड़ रहे हैं। वो तो अहिंसा के मार्ग से आंदोलन करना चाहते, आप क्यों उनको तकलीफ देते? पानी का फवारा और ये सब बातें उधर रखी है, मेरे इधर भी इतने पुलिस लगाए हैं। अरे मैं तो कई बार लेटर लिखा कि ये पुलिस की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा मृत्यु कब का मर गया है। शू छे अन्ना हजारे नी मांगणी? अन्ना हजारे नी पहली मांगणी लोकपाल ने लेने छे। अन्ना हजारे सरकार पासे लोकपाल अने लोकायुक्त नी निमणूक करवानी मांगणी करी छे। आ साथे ज अन्ना हजारे लोकपाल कानून ने कमजोर बनावनार कलम 44 अने कलम 63 मां संशोधन करवानी मांगणी करी छे। अन्ना हजारे नी त्रीजी मांगणी खेडूतोने लईने छे, जेमां खेडूतोने उत्पादन खर्च करता दोढ गणो भाव आપવાની માંગણી કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત ખેતી પર નિર્ભર 60 વર્ષથી વધુની ઉંમરના ખેડૂતને દર મહિને 5000 રૂપિયા પેન્શન આપવાની માંગણી કરવામાં આવી છે। જો કે અન્ના હજારે આક્ષેપ કર્યો છે કે લોકોને આંદોલનમાં આવતા અટકાવવા માટે સરકાર દ્વારા ટ્રેન રદ કરવામાં આવી રહી છે, સમગ્ર આંદોલન અહિંસાના માર્ગે ચાલશે તેવું અન્નાએ જણાવ્યું હતું। પરંતુ અન્નાએ એવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે સરકાર લોકોને આંદોલનમાં જોડાતા રોકીને તેમને હિંસા કરવા માટે ઉશ્કેરી રહ્યા છે। એ સરકાર કે ચાલબાજી એના ઠીક નહીં, લોકતંત્ર કે લે ઠીક નહીં હૈ, એ હુકમતંત્ર કે તરફ બઢ રહી હૈ સરકાર। ट्रेन रद्द कर दिया, ट्रेन, वो ट्रेन में सभी आंदोलनकारी नहीं है, बाहर के लोग भी है, उनको क्यों तकलीफ देना? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो ये लोगों को आंदोलन में शामिल नहीं होने देना, ये उनका नीति है, इसलिए ये सब हो रहा है। और अभी जनता रुकेगी नहीं, अगर आप उनको एक भाग पड़ेंगे तो जनता फिर रास्ते पर उतर कर अहिंसा के मार्ग से आंदोलन करेंगे, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जेल में डालेंगे, डालो, जेल भरो करेंगे। अन्नाए कहू छे कि मैं सरकार ने 42 वक्त पत्र लख्यो छे, परंतु सरकारे एक पण वक्त जवाब नथी आप्यो, अने तेथी अंते मारे अनशन पर बेसवू पड्यु छे। तेमणे कहू छे कि अंग्रेज जता रह्या परंतु लोकतंत्र नथी आव्यु। તો સાથે જ તેમણે કહ્યું છે કે માત્ર ગોરા ગયા અને કાળા આવી ગયા છે। પોતાની માંગણીઓના સંદર્ભમાં અન્ના હજારે કહ્યું છે કે હવે માત્ર મૌખિક આશ્વાસનથી અનશન બંધ કરવામાં નહીં આવે, પરંતુ સરકારે કોઈ ખાસ નિર્ણય લેવો પડશે। 4 સાલ સે હમ પત્રહર કર રહે પંતપ્રધાનજી સે કે કિસાનો કો ખેતી માલ પર ખર્ચા પર આધારિત દામ મિલે, 50% બડા કર મિલે, ઓ એક ભી લેટર કા જવાબ નહીં, ना कुछ बता रहे हैं कि हम क्या कर, हाँ ना कुछ, और जब बता नहीं रहे
तो उनका हक है आंदोलन करना, वो आंदोलन करने के लिए अभी रास्ते पर उतर गए तो उनके साथ ऐसी बदसलूकी हो रही, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये सरकार पर एक काला धब्बा लग जाएगा हमेशा के लिए। गया वक्त ना आंदोलन माथी सबक लेने अन्ना हजारे आ वक्त स्पष्ट कहू छे कि राजकीय दल तेमना आंदोलन में शामिल नहीं थाय। आ उपरांत आंदोलन साथे जोड़ावनारा लोको पासे पण एफिडेविट करावामां आव्यु छे कि तेओ क्यारे राजकारण में नहीं जोड़ाय, परंतु मानवामां आवे छे कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण अने कुमार विश्वास जेवा अमुक जूना सहयोगी आंदोलन ने समर्थन आपवा पहोंचशे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज़।